गाइज so इस वीडियो में मैंने सिर्फ टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाई है तो यहाँ मैंने पैंट के लिए वन मीटर फैब्रिक लिया है एंड यहाँ टॉप के लिए मैंने लाइनिंग ली है ये मैंने हाफ मीटर ली है एंड जो मेरा मेन फैब्रिक रहेगा जॉयट ये मैंने वन मीटर ली है देन मैंने यहाँ लाइनिंग फेब्रिक के फोर फोल्ड करके रखे हैं तो आपको दिख रहा होगा मैंने किस तरह से इसको फोल्ड किया है तो यहाँ सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ मैंने साढ़े पांच इंच पर मार्क किया है एंड आर्मोल के लिए मैंने पौने छः इंच पर मार्क किया है मेरे टॉप की लेंथ साढ़े दस इंच है तो यहाँ मैं वन इंच मार्जिन के लिए ले रही हूँ तो यहाँ मैंने साढ़े ग्यारह इंच पर मार्क किया है और यहाँ मैं बस्ट जो ले रही हूँ वो एट इंच ले रही हूँ और यहाँ वेस्ट पे मैं साढ़े सात इंच पे मार्क कर रही हूँ देन यहाँ मैं हाफ इंच का ढाल देते हुए टॉप की कटिंग कर लूंगी देन यहाँ मैं जो नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं सवा दो इंच ले रही हूँ और फ्रंट नेक की लेंथ मैंने फोर इंच ली है और मैंने इसको एक वी नेक में शेप दे दिया है बैक नेक की चौड़ाई भी मैं सेम सवा दो इंच ले रही हूं और गहराई में टू इंचेस ले रही हूं एंड द बैक नेक में यहाँ टू इंच पे मार्क करके यहाँ मैं थोड़ा पार्ट ओपन रखूंगी तो यहाँ मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली है देन यहाँ जो मैंने टू इंच पे मार्क किया था इसको भी मैं कट कर लूंगी ना मेरी फ्रंट और बैक लाइनिंग कट हो चुकी है अब यहाँ जो मेरा मेन फेब्रिक है उस पर भी मैं कटिंग कर लूंगी यहाँ मेरे अब कम्प्लीटली दोनों बैक एंड फ्रंट पार्ट कट हो चुके हैं तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे अब यहां मैं फ्रंट नेक पर सिलाई लगाऊंगी एंड देन यहां जो मेरा आर्म होल है यहां पर भी मैं सिलाई लगा लूंगी मैंने दोनों होल पर सिलाई लगा ली है देन यहाँ में छोटी छोटे कट्स लगाऊंगी जो भी यहाँ मैंने सिलाई लगाई है जो मेरा मार्जिन वाला फैब्रिक बचा हुआ है उसी में मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी तो यहाँ मैं नेक में भी लगा रही हूँ और दोनों होल में लगा रही हूँ कट्स लगाने के बाद अब मैं इसको पलट लूंगी और पलट के सीधा कर लूंगी तो यहाँ मैं नेक पर दोबारा सिलाई लगाऊंगी नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब जो भी मेरे ओपन साइडेड बची हैं यहाँ शोल्डर शोल्डर पर भी सिलाई लगा लूंगी तो यहाँ में दोनों दोनों शोल्डर पे सिलाई लगाऊंगी और यहाँ साइड में और ये नीचे जितनी भी जगह ओपन है दोनों फैब्रिक को साथ में अटैच कर लूंगी और ये मेरा हो गया है अब यह मैंने बैक पार्ट लिया है और बैक पार्ट के नेक पर मैं सिलाई लगा लूंगी सेम उसी तरह जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में लगाई थी और यहाँ आरमोल पर भी मैं सिलाई लगा लूंगी सिलाई लगाने के बाद अब मैं क्या करूँ फ्रंट पार्ट को इस बैक पार्ट के अंदर डालते हुए इनके शोल्डर आपस में अटैच करूंगी और इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जॉयट से जॉयट का पार्ट मिलाकर और लाइनिंग से लाइनिंग का पार्ट मिलाकर यहां मैं सिलाई लगा लूंगी तो दोनों के शोल्डर अटैच करके यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है अब यहाँ भी मैं कट्स लगा लूंगी होल में और यहाँ नेक में सो so, कट्स लगाने के बाद अब यहाँ मेरे फ्रंट पार्ट है उसको मैं खींच लूंगी और दोनों पार्ट्स को खींच कर सीधा कर लूंगी और देखिए मेरे दोनों पार्ट्स ये अब सीधे हो चुके हैं तो अब यहाँ भी मैं इसके नेक पर सिलाई लगा लूंगी अब बैक पार्ट में भी जो भी ओपन साइडेड है वहां भी मैं सिलाई लगा लूंगी अब यहाँ मैं टॉप में फिटिंग लगा लूंगी तो यहाँ मैं वन इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ मैं सिलाई लगा लूंगी तो so, टॉप में यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड में तो अब यहाँ मैं स्कर्ट की कटिंग करूंगी तो स्कर्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने जॉर्ट ली है और उसको मैंने फोर फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है और मैंने उसको इस तरह से फोल्ड करके रखा है कि मेरे स्कर्ट में एक भी जॉइंट नहीं आना चाहिए तो यहाँ मैं यहाँ कॉर्नर से फोर इंचज पर मार्क करके यहाँ अपनी, अपनी कमर की मार्किंग कर रही हूँ कमर की मार्किंग करने के बाद यहाँ मैं थर्टीन इंचेस पे मार्क कर रही हूँ यानी जो अपनी स्कर्ट की लेंथ है वो थर्टीन इंचेस ले रही हूँ और प्लस फोर फोर इंचेस जो मेरे कमर की मैंने ली थी तो टोटल सेवनटीन इंचेस पे मार्क कर रही हूँ मैं कॉर्नर से स्कर्ट की मार्किंग करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी और यहां जो मेरी कमर है उसकी भी मैं कटिंग कर लूंगी तो देखिए ये मेरा स्कर्ट की कटिंग हो चुकी है और देखिए इसमें एक भी जॉइंट नहीं है तो साइड में कोई भी सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं है तो यहां मैंने लाइनिंग का स्कर्ट भी रेडी करके रखा था तो इसमें मैंने प्लेट्स डाल ली हैं तो अब इसके अंदर डालकर मैं यहाँ सिलाई लगा लूंगी दोनों की कमर जॉइंट कर लूंगी तो दोनों स्कर्ट्स मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं तो अब मैं इस स्कर्ट के अंदर जो मेरा टॉप है उसको डालकर यहां सिलाई लगा लूंगी तो स्कर्ट और टॉप मेरे अटैच हो चुके हैं अब यहाँ मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने कपड़े को फोर फोल्ड्स में फोल्ड करके रखा है तो आपको दिख ही रहा होगा मैंने किस तरह से इसको फोल्ड किया है तो अब यहाँ से मैं कॉर्नर से यहाँ मैं नाइन इंचेस पर मार्क करूंगी देन मैं यहाँ थ्री इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और इधर साइड से यहाँ नीचे से यहाँ मैं फोर इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ भी मैंने एक राउंड शेप दे दिया है तो यहाँ मेरी स्लीव्स की जो लेंथ है वो यहाँ ऊपर से सिक्स इंचेस है एंड नीचे से यहाँ तकरीबन चार से साढ़े चार इंच है तो यहाँ मेरी एक साथ दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है तो अब इन दोनों स्लीव्स को मैं अलग अलग कर लूंगी अलग अलग करके यहाँ जो इनके जॉइंट्स हैं इनको भी मैं सिलाई लगा लूंगी तो इनको मैंने सिल लिया है तो अब यहाँ टॉप के अंदर स्लीव्स में इसको डालते हुए जॉइंट से जॉइंट मिलाकर यहाँ में सिलाई लगा लूँगी तो एक स्लीव मेरी अटैच हो चुकी है इसी तरह मैं दूसरी स्लीव भी अटैच कर लूंगी तो देखिए ये मेरे टॉप की स्लीव्स वगैरह सब कुछ अटैच हो चुकी हैं और यहाँ मैंने एक सॉरी तीन स्ट्रैप लगा ली थी और यहाँ मैंने एक बेल्ट भी रेडी करके रखी है तो इसके अंदर डालते हुए मैं एक नॉट बना लूंगी और यहाँ मैं स्लीव्स में और नीचे घेरे में यहाँ पीको करा लूंगी तो यहाँ मैंने कुछ ओल्ड कपड़ों में से ये एक फ्लावर का पैच लेके रखा है तो इसको मैं बी सेवन थाउजेंड ग्लू की हेल्प से इसको, इसको स्टिक कर लूंगी लिया है तो इस ब्राउच को भी मैं यहाँ लगा लूंगी और यहां मैंने दो बटन लिए हैं तो इन बटन को भी मैं साइड में लगा लूंगी और देखिए मेरा टॉप रेडी हो गया है तो ये टॉप आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और यहाँ मैंने पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं दिखाई है अगर आप पेंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच